हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक प्लेनेट और आज मैं अपनी नई वीडियो में लेके आया हूँ सैमसंग गैलेक्सी जे सिक्स के बारे में अपना ओपिनियन। तो चलिए शुरू करते हैं हम इसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो डिस्प्ले की बात करें तो सैमसंग ने इस पे दिया गया है 5.6 इंचेस का HD प्लस डिस्प्ले, जो कि 18.5:9 एक्सपेक्ट रेशियो की स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है इस फ़ोन का और इन्फिनिटी डिस्प्ले है फ़ोन की। तो काफ़ी मज़ेदार डिस्प्ले होने वाली है, काफ़ी बड़ी डिस्प्ले है, तो आपको मूवीज़ और गेमिंग खेलने में काफ़ी इन्जॉय होने वाला है इस फ़ोन में। और अगर हम बात करें इसके कैमरे की तो फ़ोन में सिर्फ सिंगल कैमरा दे रखा है 13 मेगापिक्सल का रियर साइड में और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट साइड में। दोनों के जो अपर्चर हैं f1.9 के अपर्चर हैं दोनों ही फ़ोन में। हालांकि कैमरा जो सिंगल है काफ़ी अच्छा होने वाला है, क्योंकि सैमसंग के जितने भी फ़ोनों के कैमरे होते हैं मुझे काफ़ी सेटिस्फाई लगते हैं, कैमरे काफ़ी अच्छे कैमरे रहते हैं। लेकिन इस फ़ोन में ड्यूल कैमरा नहीं है, तो मुझे लगता है कि सैमसंग ने इसमें क्या पता AI का भी कोई सपोर्ट ऐसा कुछ बताया नहीं है, तो इसमें पोर्ट्रेट मोड इस फ़ोन में आपको नहीं मिलेगा। हालांकि प्रो मोड और HDR मोड जैसे फीचर आपको इस फ़ोन में मिलते हैं, और जो 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है आपको उसके साथ एक LED फ्लैश भी मिलती है। और बाकी कुछ ऐसा खास कैमरे में भी कुछ है नहीं, दोनों ही सिंगल कैमरे हैं। ड्यूल कैमरे का इस्तेमाल मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन सैमसंग ने नहीं करा है इस फ़ोन में। फिर उसी तरफ अगर हम प्रोसेसर की बात करें तो सैमसंग ने कुछ नया करा नहीं है प्रोसेसर के साथ, वही अपना एक्साइनस का 7870 पुराना ऑक्टाकोर प्रोसेसर बता दे दिया है, जिसमें 1.6 गीगाहर्ट्ज़ की स्पीड है। जिस प्रोसेसर की अगर मल्टीटास्किंग की बात करें तो प्रोसेसर ये आराम से आपकी मल्टीटास्किंग काफ़ी अच्छी कर देगा। लेकिन अगर हम प्राइस की बात करें तो 14,000 है इसकी 3GB वेरियंट की बात, तो इस प्राइस में मुझे कुछ खास सा प्रोसेसर लगा नहीं है। क्योंकि अगर बात करें इसके कॉम्पिटिटर जैसे कि ZenFone Pro Max M1 के बारे में, जिसमें स्नैपड्रैगन 636 इससे सस्ते में मिल रहा है, और अगर ओप्पो के Realme Mi 1 के बारे में बात करें तो उसमें भी आपको MediaTek का P60 मिल जाता है, जो स्नैपड्रैगन 636 से भी अच्छा प्रोसेसर है। तो मुझे कोई यूज़ लगा नहीं है पुराने से प्रोसेसर का। हालांकि मल्टीटास्किंग ईजी होगी, लेकिन मुझे लगता नहीं है उतना अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएगा। और अगर मैं बात करूँ इसके मेमोरी और बैटरी की, तो मेमोरी की बात करें तो ये फ़ोन दो वेरिएंट्स में लॉन्च होगा, 4GB और 3GB रैम वेरिएंट में। दोनों में इंटरनल स्टोरेज जो 4GB रैम वेरिएंट में होगी आपको 64GB अवेलेबल होगी, और 3GB रैम वेरिएंट में आपको 32GB इंटरनल मेमोरी अवेलेबल होगी। हालांकि रैम भी इतनी कुछ नया है नहीं, 3GB रैम वेरिएंट आपको 14,000 में मिल जाता है। हालांकि थोड़ा सा प्राइस हाई है, क्योंकि इसके कॉम्पिटिटर के हिसाब से और फ़ोन सस्ते में ज़्यादा रैम दे रहे हैं। और अगर बात करूँ मैं इसकी इंटरनल की, तो अगर आप एक्सपेंड कर सकते हैं 256GB तक इसकी इंटरनल मेमोरी को। बात करूँ बैटरी की, तो ऑन पेपर तो बैटरी काफ़ी सही लग रही है, 3000mAh की बैटरी है, तो मुझे नहीं लगता कि बैटरी में आपको कोई प्रॉब्लम होगी इस फ़ोन में। और अगर मैं फ़ोन के अलग फीचर्स की अदर फीचर्स की बात करूँ, तो फ़ोन में आपको फिंगरप्रिंट मिल जाएगा जो कैमरे के नीचे है, पीछे वाला कैमरा है, और आपको फेस अनलॉक का जो आजकल ट्रेंडिंग फीचर है वो भी आपको इस फ़ोन में मिल जाएगा। तो काफ़ी बेहतरीन फीचर भी आपको मिल रहे हैं इस फ़ोन को। मैं बात करूँ अगर मैं इसके एंड्रॉयड की, तो एंड्रॉयड ओरियो आपको मिल जाएगा, एक अच्छी बात है, प्लस पॉइंट है फ़ोन के लिए और फ़ोन के यूज़र्स के लिए जो इस फ़ोन को खरीदेंगे। अगर इस फ़ोन की प्राइस की बात करूँ, मैं फ़ोन आपको 14,000 में मिल जाएगा, 3GB रैम वेरिएंट, 4GB अभी इंडिया में लॉन्च हुआ नहीं है, लेकिन जब होगा तो आप खरीद सकते हैं। 4GB रैम वेरिएंट भी कुछ आसपास 15,000 तक के आसपास में लॉन्च होगा इसका 4GB रैम वेरिएंट भी। और अगर मैं बात करूँ इसके लेकिन ओवरऑल वर्डिक्ट की, तो फ़ोन ऐसा कुछ ख़राब है नहीं, एक डिसेंट परफॉर्मर है ये फ़ोन। एकदम ख़राब नहीं बोल सकते और एकदम अच्छा भी नहीं बोल सकते, क्योंकि इसी प्राइस रेंज में आपको इससे अच्छे बेहतर वाले फ़ोन मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप सैमसंग लवर हैं और आपको सैमसंग का ही फ़ोन चाहिए, तो आप ये फ़ोन बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि मल्टीटास्किंग तो फ़ोन में काफ़ी सही होगी। लेकिन अगर मैं ओवरऑल गेमिंग परफॉर्मेंस और वो बोलूँ, तो वो उतनी खास क्या पता ना हो एज़ कम्पेयर टू शाओमी के रेडमी नोट 5 प्रो में होगी, क्योंकि उनमें स्नैपड्रैगन 636 जैसे प्रोसेसर हो गए, एसस के ZenFone Pro Max M1 में हो गए, इसमें भी सेम प्रोसेसर यूज़ करा गया है, और ओप्पो के Realme 1 में हो गए, जिसमें MediaTek का P60 प्रोसेसर यूज़ करा गया है, एक पावरफुल प्रोसेसर है जो, और P60 तो स्नैपड्रैगन 636 को भी बीट करता है। तो ये देखना था सैमसंग को प्राइस के बारे में। हालांकि अब आपको ये फ़ोन कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए।